बड़े बेटी की खुशी चेहरे की देखते ही पिता एकदम से अंदर से खुश हो जाते हैं कि लगता है मेरी बेटी ने अपना कोई वर चुन लिया है, कि बेटी वर चुनाई कि हाँ पिताजी वर चुन लिया है। आज तो समय बिगड़ा हुआ है, माँ बाप अंधे हैं और राज उनका छीन लिया गया है। राज की तो हमारे पास कमी नहीं, आधा राज आप भी देंगे मुझे कन्यादान में, लेकिन कभी राजा थे आज कंगाल है। नाम बेटी के नाम सत्यवान है, पिता का नाम धूम्रसेन है। नारद मुनि से पूछने लगे कि नारद मुनि मेरी बेटी जो वर चुनकर के आई है उसका लग्न मुहूर्त उसके नक्षत्र देखिए कैसा रहेगा मेरी बेटी का उसका जोड़ा। नारद मुनि ने देख करके बताया कि महाराज आपकी बेटी जो वर चुना है वो गलत चुना है, क्योंकि उस लड़की की आयु सिर्फ 1 साल की है, यानी कि 1 साल बाद सत्यवान मर जाएगा। अशुपति समझाने लगे कि बेटी आप अपना दूसरा पति चुन लीजिए। नारद मुनि उस लड़के को सही नहीं बता रहे हैं कि पिताजी आर्य कन्या भारत की कन्या अपना वर सिर्फ 1 बार चुनती है, अब चाहे उसकी उम्र 1 साल नहीं चाहे 1 दिन की हो, वो मैंने अपना पति चुन लिया है, मेरा पति वही है, जिद करके शादी कर लेती है। लेकिन सावित्री दिन गिनने लगती है जो नारद मुनि ने बताए थे। अब तो साल का वही आखिरी दिन था जो नारद मुनि ने बताया था, अपने पति के साथ में जिद करती है कि हे प्राणनाथ आज बियाबान में लकड़ी काटने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। मना करने लगा सत्यवान कि नहीं, बड़ा खूंखार बड़ा भयंकर जंगल है, बड़े खूंखार जानवर वहां घूमते हैं, चीते शेर बघेलों की दहाड़ों से मर जाएगी, डर डर के तुम्हारे कोमल से पैरों में कांटे लग जाएंगे, आप यही कुटिया में विश्राम कीजिए, लकड़ी में काट करके लाता हूँ। नहीं प्राणनाथ मेरी भी आज जिद है, मैं भी आपके साथ चलूंगी बियाबान जंगल में। अब तो जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़े लकड़ी काट रहे थे, यम दूतों के दर्शन होने लगे, चक्कर सी आने लगे, कुल्हाना हाथ से छूटने लगा, नीचे उतराते कि सावित्री पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा शरीर बेदम सा होता जा रहा है, मुझे यमदूतों के दर्शन हो रहे हैं और मेरे हाथ से कुल्हाड़ा छूटता जा रहा है। दोनों के सवाल और जवाब कवि महोदय ने किस तरह लिखा है, आइए सुनते इस रागिनी के माध्यम से। सावित्री जी स्वामी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे हाथ से कुल्हाड़ा छूटता नजर आ रहा है, यमदूतों के मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। स्वामी आपको थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आप पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहते हो तो शायद इसलिए आपको चक्कर आ रही होगी, आपने कुछ खाया नहीं। लेकिन है प्राणप्रिय चक्कर की बात नहीं है, मुझे यमदूतों के दर्शन क्यों हो रहे लगता है, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। स्वामी आप गलत विचार मन में ला रहे हो, गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिए। कहिएगा स्वामी। तेरी सावित्री We'll be right back.
सिर पूरी तरह टकरावे से। करीश्वर ने याद पिया जी सबकी लाज बचावे से। मेरी आंखों आगे हुआ रही अंधेरा, आंखों आगे हुआ रही अंधेरा। सावित्री जी स्वामी, मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा है, कुल्हाड़ा हाथ से छुटकर गिर रहा है। आप हिम्मत काल के दर्शन मुझे साक्षात हो रहे हैं। मेरा आखिर समय लगता है, मेरा अंतिम वक्त आ चुका है। लेकिन आखिरी टाइम पे एक बात भी कहना चाहूंगा। मेरी बात जरा से समझिए। मुझे काल दिखाई दे रहा से। बाल ना बाखरा हो सकता दिल मेरे गवाही दिया से। अरे काढ़ेगा मेरी जान काल का, काढ़ेगा मेरी जान काल का, बोल सुनाई दे रहा से। तेरे मरज की आज राम जी खास दवाई ले रहा से। अरे होता री देखे सावित्री जी स्वामी, ये तो मुझे पक्का आभास हो गया कि मेरे प्राण बचने वाले नहीं। लेकिन आखिरी टाइम पर एक तरह से एक बात कहकर जा रहा हूँ। मेरे बूढ़े अंधे बेसहारा माँ बाप है। मेरे जाने के बाद उन्हें कभी पुत्र का एहसास नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी मत देना, कोई दुख मत देना। मैं तेरे से विनती करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन ले। कहना